नगरी चुनाव आते ही पार्टियों के द्वारा अपने अपने दावे शुरू हो गए हैं। जहां सत्ताधारी पार्टी विकास को गति देने की बात कर रही हैं, वहीं नगर सत्ता का सुख ना पाने वाली कांग्रेस पार्टी अपने अलग अलग वादे कर रही है। कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें कई बड़े वादे किए गए हैं। पार्टी के संगठन प्रभारी प्रताप भानु शर्मा, राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा, पूर्व विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा, प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र शर्मा, महापौर अजय मिश्रा सहित कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया गया। इसमें कहा गया कि पेयजल समस्या का समाधान करते हुए हर घर को स्वच्छ पानी पहुंचाया जाएगा। जल कर में 50% तक की छूट, संपत्ति कर में भी 25% की छूट, जबकि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को 100% की छूट मिलेगी। सीवरेज प्रोजेक्ट के चलते खराब हुई सड़कों को सुधारा जाएगा। शहरी गरीबों को 400 वर्ष तक के प्लाट में निःशुल्क भवन, अनुज्ञा एकल खिड़की के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र के साथ सभी तरह के टैक्स की सुविधा मिलेगी। आपको सुनाते हैं घोषणा पत्र में क्या वादे किए गए हैं। नगर की जनसंख्या, नगर का विकास, आम आदमी की जरूरत, नौजवानों की, महिलाओं की और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आवश्यकता है, इन सब को देखते हुए हमारी मैनिफेस्टो कमेटी ने सभी वरिष्ठ लोगों से चर्चा करके संकल्प पत्र को तैयार किया है और इस संकल्प पत्र के माध्यम से हमारा वायदा है रीवा नगर के नागरिकों से, सभी निवासियों से, कि हम वो काम करेंगे यदि हमारी पूरी टीम को आपने समर्थन दिया, विश्वास दिया कि जो आज तक के 20 वर्षों में भाजपा की परिषद या उनके नेतागण नहीं कर पाए होंगे। आम लोगों की ज़रूरत के लिए स्वच्छ पानी घर घर पहुंचाने की बात कही है, आपने देखा है इसमें सीवर लाइन का काम कब से अधूरा पड़ा है, करोड़ों रुपए खर्च हो गए परंतु आज तक ना लाइन बिछी है, ना लाइन बिछ गई तो रोड ठीक हुए हैं, ना ही फिल्ट्रेशन प्लांट समुचित रूप से चालू हो पाया है जिस तरह से उसकी उपयोगिता होना चाहिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, शुद्ध जल पेयजल नगर निवासियों को उपलब्ध हो और पूरी क्षमता पर हमारा वाटर वर्क्स जो जल शोधन केंद्र है वो पूरा काम कर पाए, ये तीनों में कोई तालमेल नहीं है। इसमें हमारा नगर निगम आप सबके जनता जनार्दन के आशीर्वाद से पेश करे, तब आपके दिमाग में ये आएगा कि भाजपा भी ये दे रही, कांग्रेस भी ये बात कर रही। हम आपको ऐसी बातें बताना चाह रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप एक चौथे स्तंभ हैं, जागरूक हैं, आपके सामने हम एक ऐसी चीज़ रखना चाह रहे हैं कि हम क्यों भाजपा को हटा के कांग्रेस क्यों होना चाहते हैं। आपको पता होगा स्वतंत्रता के पहले, जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था, उसके पहले जब भारत पाकिस्तान एक था, भारत का पहला मान्यता प्राप्त अखबार भारत भ्राता, जिसको बलवंत सिंह कर्नल बलवंत सिंह ने निकाला था, कहाँ से निकाला था, रीवा से, गवर्नमेंट प्रेस, गवर्नमेंट प्रेस से। आप ये बताइए, यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी है, हम आपको अभी पत्रकार भवन की बात कर रहे हैं, एकदम ईमान से बताइए कि वो जगह में कर्नल बलवंत सिंह की प्रतिमा स्थापित होना चाहिए और वही समदरिया का कॉम्प्लेक्स बनना ज़्यादा जरूरी था कि वहाँ पर पत्रकारों का पत्रकार भवन बनाना जरूरी। ईमान की बात, लोक परिसंपत्ति विभाग बन चुका है, जो पुनर्घनत्वीकरण में पौधा लगा दो, टाइल्स लगा दो, सिविल लाइन की रोड एकदम धसी हुई, अगल बगल खपड़े लगा दो, ये 12 करोड़ का है, ये 13 करोड़ का है, 14 करोड़ का हरा पेड़ लगा दो, सूख गया, कुल लागत 52 करोड़ के बदले शहर की बेस कीमती जमीन जो 200 करोड़ की है उसको 52 करोड़ की वैल्यूएशन करके अल्टा पल्टी का जो खेल आपके सामने 10 साल से चल रहा है, आप लगातार देख रहे हो कि क्या हो रहा है, कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप बोलो ना बोलो, आप चाहते सब। अभी मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल पहले लोक परिसंपत्ति विभाग बना दिया गया, तो इसका मतलब अब क्या हो रहा है कि MPRDC के माध्यम से ज़मीनों का ओपन एक्सेस, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास फंड की कमी है तो ज़मीनों को 14 करोड़, 60 करोड़, 62 करोड़ रीवा माने सतना बस स्टैंड सबको ओपन बेचते हैं। रीवा एक ऐसी जगह क्यों है जहाँ पर ये काम नहीं हो रहा, अभी भी पुनर्घनत्वीकरण का उल्टा पलटी का खेल जारी है, क्योंकि इसमें बीच में नगर निगम की NOC लगती है, एजेंसी इन्होंने बना रखा है किसको,
हाउसिंग बोर्ड को वहाँ इनका अधिकारी बैठा है। नगर निगम अगर हमारी पलट जाए तो ये खेल सब बंद हो जाए। जो अभी आप बात कर रहे थे कि जमीन कहाँ मिलेगी, शर्मा साहब बात कर रहे थे, अब ये सिविल लाइन में पूरा कलेक्टर बगला आकाशवाणी के पीछे से तोड़कर जो ये खेल करने जा रहे हैं, ये सब खेल बंद हो जाएंगे तो आपके पास कहाँ जमीनों की कमी है। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमसे थोड़ा सा इसमें मिस हो गई है, इसको मैं आपके सामने